डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और सबसे बड़ी बात है कि बिना घी और बिना चीनी के इस मिठाई को हम बनाएंगे। आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मिठाई। इन स्पेशल लड्डुओं को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप ओट्स। ओट्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्वाकर ओट्स हैं ये, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ओट्स जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में डाल देते हैं, ये ठंडे भी हो जाएंगे और इतने में हम दूसरी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये हैं 2 चम्मच अलसी के बीज, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये बीज भी हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी हम प्लेट में डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम, ये आधा भून लिया हमने, थोड़ा थोड़ा इसे भी हम भून लेते हैं। इसे भी हल्का हल्का हमने रोस्ट कर लिया है, इसे भी हम प्लेट में डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर करेंगे 1/4 कप, हमने ये नारियल का बुरादा लिया है, इसे भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये भी रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम डाल देंगे एक प्लेट में। तो ये सारी चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, और सेकंड इसे हम जब ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा। ये हमने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हमने ये 1 बाउल से कम है मूंगफली लिया, ये रोस्टेड है, इसे हम डाल देंगे। और ये हमने अखरोट लिया है, ये भी 1/2 बाउल है, और थोड़े से इसके अंदर हम डाल देते हैं बादाम। सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो है दाने बादाम के थोड़े से मोटे रह गए हैं, उन्हें मैं दोबारा बीच में डाल दूंगी, जिस तरह से ये है। बाकी हमने इसको दरदरा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा हमने पाउडर नहीं बनाना। दरदरे के अंदर टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा इन लड्डुओं का, बहुत ही हेल्दी लड्डू ये बन के तैयार होंगे। ये हम दोबारा इसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब हमने बाकी के बादाम और ओट्स सारा ही सामान मैं डाल रही हूँ, जितना इजीली आ जाए आप उतना ही डालें। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, ये भी हमारा ग्राइंड हो गया। आपने देखा कि बहुत इजीली ये ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि इसे हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने ये ली है डेट्स, ये मैंने खजूर लिया है, जो खजूर के अंदर से मैंने जो इसकी बीज है, जो इसकी गीटक है, वो हमने निकाल दी है, तो इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने डेट्स को ग्राइंड कर लिया, आप देख रहे हैं कि डेट्स ग्राइंड हो चुकी हैं। इसे ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे भी हम इसके अंदर ही डाल लेंगे। तो अभी मैं इसे किसी बड़े बर्तन में डालूंगी, क्योंकि ये छोटा है और सामान जो है वो ज़्यादा है। अब हमने क्या करना है, मैंने ये थोड़ा सा गुड़ लिया है, जो गुड़ था उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे इसे, हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। ये मैं एक बड़े बर्तन के अंदर डाल रही हूँ सामान सारा, आप देख रहे हैं कि मैंने ये थोड़ा सा इसे मेल्ट किया, बाकी हम हाथ से ही इसे कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। थोड़ी सी मैंने ये दालचीनी ली है पीसी हुई, हल्की सी स्प्रिंकल करनी है हमने, हल्की सी बिल्कुल, यानी 1 चुटकी। इससे जो है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, और दालचीनी के आपको पता ही है कि फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारी बहुत ही हेल्दी, हाई प्रोटीन्स, हाई न्यूट्रिशंस पंजीरी बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसकी पिन्नी या लड्डू बना के भी रख सकते हैं, आप जब दिल करे खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अंदर ना तो मैंने घी डाला है ना शुगर डाली है, मैं आपको पिन्नियाँ बना के दिखा रही हूँ लड्डू, यानी बहुत टेस्टी ये बनते हैं, ये देखें। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार करते हैं। ये हमारे बहुत ही हाई प्रोटीन्स लड्डू बनके तैयार हैं। इसमें ओमेगा 3 भी है, इसमें न्यूट्रिशंस भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फाइबर भी है। दिवाली पे बहुत सी मिठाइयाँ आती हैं जिसके अंदर खोया, मीठा, बहुत सा नुकसान देने वाली मिठाइयाँ होती हैं, तो इस दिवाली पे आप अपने हाथ से ये लड्डू बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। उम्मीद आपको अच्छे लगेंगे, आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।